ऑप्शनल पेपर में जो आप चुनते हैं, जो कोई भी पेपर चुनते हैं, उसका वेटेज 500 नंबर का होता है। 500 नंबर के उस पेपर में दो पेपर आपको देने होते हैं, जो एक ही दिन आयोजित होता है। नमस्कार साथियों, कल हमने बात की थी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, उसमें वैकल्पिक विषय के रूप में आपको एक वैकल्पिक विषय चुनना होता है। ऑप्शनल पेपर में जो आप चुनते हैं, जो कोई भी पेपर चुनते हैं, उसका वेटेज 500 नंबर का होता है। 500 नंबर के उस पेपर में दो पेपर आपको देने होते हैं, जो एक ही दिन आयोजित होता है। पहले जिस दिन आपका GS के बाद जब आप सामान्य अध्ययन का परीक्षा दे देंगे, अमूमन उसके बाद वैकल्पिक विषय की परीक्षा आपको देनी पड़ती है। अगर हम हिंदी भाषा और साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में अगर हम चुनते हैं, तो पहले हमको यह जानना होगा कि इसका सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस का ज्ञान हुए बिना हम यह नहीं जान पाएंगे कि हम इसकी तैयारी कैसे कर पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा और साहित्य UPSC में वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर में का जो खंड क और खंड ब जो है, जिसको हम खंड ए या खंड बी कह सकते हैं, तो खंड क में उसका सिलेबस क्या है। तो हिंदी पहले तो हम ये जानेंगे कि वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य, वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय आपका क्या है? हिंदी भाषा और साहित्य। इसका जो फर्स्ट पेपर होता है, जो 250 नंबर का होता है, उसके खंड और प्रश्न पत्र एक में हम देखेंगे। प्रश्न पत्र एक में हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो प्रश्न पत्र एक के खंड क में आता है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। इतिहास इसके अंतर्गत आता है आपको पहला जो आपका पार्ट होगा उसमें आएगा अपभ्रंश, अवहट, अवहट और प्रारंभिक हिंदी का और प्रारंभिक हिंदी का हिंदी का व्याकरणिक व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। पहले आज हम केवल आपको केवल सिलेबस के बारे में बात करेंगे, फिर इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। आज के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, कल हम फिर द्वितीय प्रश्न पत्र पर बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर
हम आपको ये सारे कुछ बताएंगे कि अपभ्रंश से कैसे विकास हुआ, हिंदी का जो विकास हुआ अपभ्रंश से कैसे अवट में आया, फिर प्रारंभिक हिंदी का जो व्याकरणिक इतिहास था वो क्या था, और उसका जो इंस्ट्रूमेंटल उपयोग जो हम कर रहे थे, जो अनुपयुक्त स्वरूप था वो किस प्रकार का था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा है इसमें मध्यकाल में ब्रज और अवध के क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको अवधी बोला जाता है। अवधी का साहित्यिक भाषा 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 के रूप में विकास विकास यहां हम एक सेकंड के रुकेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम कह रहे हैं कि मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, अब आपको यह जानना होगा कि हमारे समाज में दो प्रकार की भाषाएं होती है, एक लोक भाषा होती है और एक साहित्य की भाषा होती है। तो ब्रज के क्षेत्र में, ब्रज का जो क्षेत्र है उस ब्रज के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है उसको हम ब्रज की भाषा बोलते हैं या ब्रज बोली बोलते हैं, लेकिन इसका एक साहित्यिक रूप में विकास होगा। लिटरेचर के फॉर्म में जब हम इसका विकास देखते हैं, हम इस सेक्शन के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि ब्रज और अवधि का साहित्यिक रूप में किस तरह विकास हुआ था। जैसे आप बहुत बार सुनते होंगे अखबारों में, न्यूज चैनलों में, जो लोग गायक होते हैं, लोक गायिका होती है, तो वो उस भाषा में गायन करती है ना, या गायन करते हैं। तो जो लोक भाषा में गायन करते हैं सो, और साहित्य की जो भाषा होती है सो, उसमें क्या मूलभूत अंतर है, इस मूलभूत अंतर को आप समझने का प्रयास करेंगे इस सेक्शन में। कि जिस समय मध्यकाल का जो समाज है, जब भारतीय इतिहास के काल में जाएंगे तो मध्यकाल का जो समाज है वह समाज सामंतों का समाज है, सामंत का समाज, राज दरबार का समाज, आम जनता की अलग भाषा है, और वो सामंत जो है वो रासरंग में डूबा हुआ है, चारों ओर क्या नाम है, अंधकारमय वातावरण है। उस वक्त में जो कवि या जो रचनाकार या जो साहित्यकार तो नहीं कहा जा सकता है उस वक्त के राइटर को, लेकिन अगर हम कहें कि उस वक्त के जो लेखक थे या उस वक्त के जो कवि या क्या बोलते उसको साहित्यकार थे, वो इसका किस रूप में विकास करवाए हैं, हमको जब उसको पढ़ेंगे तब हम आगे यह भी पढ़ेंगे कि मध्यकाल में किस तरह रामायण, जिसको हम रामचरितमानस कहते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी, ब्रज भाषा में जो सूरदास ने लिखा था वो सूरदास क्या लिख रहे थे, सूरदास हमारे सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में यह है कि सूरदास के जब हम पंक्तियों को पढ़ते हैं, और उद्धव और क्या नाम है गोपियों के बीच का जो संवाद है, वह संवाद क्या वह साहित्यिक संवाद है, क्या वह आधिकारिक संवाद है, या फिर वह उस भाषा में बोला गया संवाद है। आज भी आप बहुत बार देखते होइएगा कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में, जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आम तौर पे मास्टर के बाद की जो पढ़ाई होती है उसकी भाषा अंग्रेजी होती है। तो इंटेलेक्चुअल की भाषा तो अंग्रेजी होती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप किसी ब्रज वाले क्षेत्र में जाते हैं या किसी अवध के क्षेत्र वाले में जाते हैं, तो वहाँ के जो आम लोग हैं
वह आम लोग तो उस भाषा में बात करेंगे, और उस भाषा अगर आप उस भाषा को नहीं जान रहे हैं तो आप हो सकता है कि आधिकारिक रूप से जब अपने ऊपर के अधिकारी को आपको टिप्पणी करके भेजते हैं, कोई नोट्स करके भेजते हैं, या अपने निचले आप जिस ऑफिस में काम करते हैं बतौर IAS बतौर IPS, तो अपने नीचे के सबऑर्डिनेट को, अपने सहयोगियों को, जो आप जो कोई आदेश या कोई निर्णय जब आप भेजते हैं कि आप इस पर काम किया जाए, तो उसकी भाषा और वहाँ के आम लोगों की भाषा में क्या मूलभूत अंतर होता है, इस सेक्शन के अंतर्गत हम ये समझेंगे। तीसरा है सिद्ध और नाथ साहित्य, सिद्ध एवं नाथ साहित्य, साहित्य खुसरो, खुसरो का मतलब अमीर खुसरो के संदर्भ में है, अमीर खुसरो ने भी जो लिखा है उनके उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, खुसरो, फिर उसके बाद संत साहित्य, संत साहित्य, संत साहित्य, रहीम, रहीम आदि कवियों, आदि कवियों और दक्षिणी में, दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली, खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, प्रारंभिक स्वरूप इसमें हम पढ़ेंगे कि सिद्ध और नाथ साहित्य जब लिखा जा रहा था तो सिद्ध और नाथ परंपरा के जो लोग थे, सिद्ध और नाथ परंपरा के जो कवि थे, जो संत थे, वो किस तरह लिख रहे थे, खुसरो का जो ये है खुसरो जो लिख रहे थे उनके लिखने का तरीका क्या था, वो किस तरह के काव्य लिख रहे थे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि संत साहित्य में किस तरह की बातें लिखी जा रही थी, रहीम के बारे में लिखते हैं। आज भी आप उत्तर भारतीय राज्यों में चले जाइए तो रहीम के बहुत सारे दोहे आप बचपन में पढ़े होंगे या लोगों के मुंह से सुने होंगे, रहीम अंधागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटर तो दुरत है दुरत गांठ लग जाए, है ना। तो इस तरह के जो आपको इस तरह के पंक्तियों को मतलब इस सेक्शन के अंतर्गत आपको ये जानना होगा। और रहीम जब लिख रहे थे दक्षिण मध्य, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब ये पॉइंट नंबर दो जो है जिसमें हम मध्यकाल में ब्रज अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में जब विकास हो रहा था तो उस वक्त भारतीय समाज में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको हम वंचित समुदाय के लोग कहते हैं, और जिनका मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था। तो मंदिर में जब प्रवेश करना वर्जित था उस कंडीशन में ये अपने आराध्य को किस रूप में याद कर रहे थे, कैसे वो लिख रहे थे, उनकी भाषा कैसी थी। जब हम आपको कबीर के बारे में पढ़ाएंगे, कबीर जब आपको कबीर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, जब आपको कबीर के बारे में हम व्याख्या देंगे तब उसके बताएंगे हम आपको कि मध्यकाल में कबीर भी हैं और तुलसी भी हैं, तो कबीर का राम कैसा है और तुलसी का राम कैसा है। राम दोनों के हैं, कबीर भी राम की बात कर रहे हैं और तुलसी भी राम की बात कर रहे हैं, लेकिन तुलसी का जो राम राज्य है या तुलसी का जो राम है वह सगुण राम है, जबकि कबीर का जो राम है वह निर्गुण राम है। कबीर के राम को निर्गुण होने के पीछे क्या कारण हो सकता है, एक ही वक्त में कुछ सालों का अंतर रहा होगा, कुछ सालों का अंतर है, उस कुछ सालों के अंतर में जब कबीर लिख रहे हैं तो वह निर्गुण परंपरा में लिख रहे हैं,
वह जो जब वो राम की राम के बारे में बात कर रहे हैं तो निर्गुण परंपरा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। वहीं तुलसी जो है जो अपने रामचरित मानस में राम की जो व्याख्या कर रहे हैं, राम के चरित्र की जो व्याख्या कर रहे हैं, वो सगुण राम की व्याख्या कर रहे हैं। और यही राम जब गांधी के जीवन में आते हैं तो राम गांधी के जीवन का राम कैसा है, आप बहुत बार सुनते होंगे कि हर व्यक्ति के लिए राम के अलग अलग स्वरूप हैं। आप बहुत बार लोकोक्तियों में या मुहावरों में सुनते हुए कि सबके अपने अपने राम होते हैं, तो अपने अपने राम अर्थात राम को अपने किस रूप में देखा है, किस रूप में आपने देखा है। जब हम तुलसी के राम की बात करते हैं और तुलसी के राम राज्य की जब बात करते हैं, याद रखिए तुलसी के राम राज्य की बात करना और गांधी जी के राम राज्य की बात करना, ये दोनों में क्या मूलभूत अंतर है वह भी आपको समझना होगा साहित्य में पढ़ने के दौरान, कि तुलसी का जो राम राज्य है वह टैक्स व्यवस्था यानी कि कर प्रणाली के बारे में बताया गया है। वह बताया गया है कि एक राजा को, एक शासक को, एक प्रशासक को अपने जनता के प्रति किस तरह उत्तरदायी होना चाहिए, उनका जनता से पर जो हम टैक्स जो जनता टैक्स जो पे करती, जो कर अदा करती है जनता, वो टैक्स का कैसा स्वरूप हो, वो किस तरह टैक्स जनता से टैक्स लिया जाए ताकि राजकाज संभाला जाए। और यही जब राम महात्मा गांधी के जीवन में आते हैं तो उनके लिए राम जो है सर्वोदय की कल्पना की बात करता है, सबका उदय हो, सब एक। तो इसीलिए जब हम वैकल्पिक विषय हिंदी भाषा और साहित्य के अंतर्गत जब हम पेपर वन में जब खंड कौल के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे मध्यकाल में ब्रजर अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, तब हम यह जानेंगे कि यह किस तरह विकसित हुआ। और आगे फिर हम आपको खुसरो बताएंगे, सिद्धौरनाथ साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, संत साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, रहीम और उस वक्त के जो और भी कवि थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं इसके चौथे वाले खंड पर। अब हम इसके चौथे वाले खंड पर आते हैं। चौथे वाले खंड में है 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास। चौथे वाले पॉइंट में है कि 19वीं शताब्दी में आप लोगों को शताब्दी का अर्थ मालूम है या नहीं? देखिए शताब्दी का अर्थ होता है 100 साल। जब आप सुनते होंगे क्रिकेट के मैच के दौरान जब सुनते होंगे कि विराट कोहली ने शतक लगाया, तो शतक लगाया मतलब उसने 100 रन पूरा कर लिया, अपने मैच के दौरान उसने 100 रन पूरे कर लिए हैं। तो 19वीं शताब्दी जो 100 साल का जो शताब्दी, एक 100 सालों को शताब्दी कहा जाता है, तो 19वीं शताब्दी में किस तरह खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास हुआ था। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास, नागरी लिपि का विकास, इसमें हम जानेंगे कि 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली किस तरह विकसित हुई और फिर उसके बाद नागरी लिपि का किस तरह विकास हुआ, हम इसके बारे में जानेंगे। मैं कल आपको बता रहा था, मैं आज भी फिर एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि मैंने कहा था कि हिंदी भाषा और साहित्य अंकदायी विषय क्यों है। जब इस खंड को आप पढ़ेंगे या इससे पहले जो 3 खंड आपको मैंने बताया है
उसको जब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं इसको पूरे डिस्क्राइब करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, और फिर उसका डिटेल्स जब पढ़ाई करेंगे हम इसके बारे में, जब हम विस्तृत चर्चा करेंगे, तो उस वक्त हम चर्चा करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को कैसे चार्ट के माध्यम से, कैसे आप डायग्राम के माध्यम से लिख देंगे और आपको सारे 12 नंबर मिल जाएगा। मैंने पहले कहा कि यूपीएससी के एग्जाम में अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आप यह यकीन मानिए कि आपको वैकल्पिक विषय ही आपकी नैया पार लगाएगी, और वैकल्पिक विषय में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा और साहित्य जो वैकल्पिक विषय के रूप में जो छात्र लेते हैं अधिकतम नंबर उनको मिलता है। अभी तक अगर मैं 10 सालों का यूपीएससी के वेबसाइट पर डाला गया जो ये रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों में का अगर हम देखें, 10-12 साल 15 साल का अगर देखें, तो आप देखेंगे कि हिंदी भाषा और साहित्य में मैक्सिमम बच्चों को 300 प्लस नंबर आया है। 500 नंबर के वेटेज में 300 प्लस नंबर आता है। और कल मैंने आपको एक बात ये भी कही थी कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में अमूमन होता क्या है कि आपको 180 मिनट में यानी कि 3 घंटे के अंदर आपको 20 क्वेश्चन के जवाब लिखने होते हैं, और 20 क्वेश्चन का जवाब आपको लिखना होता है, और 20 क्वेश्चन के जवाब लिखने क्रम में आपके पास एक क्वेश्चन के लिए कितना समय मिलता है या आप खुद तय करिए, तकरीबन 7 से 8 मिनट के आसपास मिलता है। उसी में आपको क्वेश्चन भी समझना है, उसी में आपको लिखना भी है, उसी में आपको अडाप्ट करना है। तो यह खास करके हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट पेपर है वह इतना वैज्ञानिक है, इतना वैज्ञानिक है कि अगर वो 250 नंबर अगर आप पेपर लिखते हैं और अगर आप उसमें थोड़ा सा अगर मेहनत कर लें, अगर थोड़ा सा अपना एफर्ट लगा लें, तो आप इसमें कम से कम 160 प्लस नंबर, 160 से लेकर के 210 तक के आसपास इसमें आप नंबर ला सकते हैं, आसानी पूर्वक ला सकते हैं। आप चार्ट के माध्यम से आप केवल बता देंगे कि इस तरह विकास हुआ, विकास के क्रम में ये सब चीज़ें हुई, और आपका वो क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और आप अंततः 10 नंबर 11 नंबर आपको उसमें मिल जाता है। चूँकि एग्जामिनर चेक कर रहा होता तो उसको, चूँकि यूपीएससी में जो कॉपी चेक कर रहे लोग होते हैं वो आपके गद्य साहित्य से पहले ही वो इरिटेटेड होते रहते हैं, वो पहले ही इतना पढ़ चुके होते हैं कि उनको लगता है कि कुछ नया हो। तो जब साहित्य में जब आप चार्ट का प्रयोग करेंगे, जब आप डायग्राम का प्रयोग करें, हम बताएंगे कि डायग्राम का प्रयोग कैसे करेंगे, 19वीं शताब्दी में जब खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास हो रहा था तो कैसे ये डेवलप हो रहा था, इसके बारे में हम बात करेंगे, तो ये पूरा का पूरा आपको वैज्ञानिक तरीका लगेगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी भाषा और साहित्य में अधिकतम 300 प्लस से अधिक नंबर हर मैक्सिमम बच्चों को मिला है। उसके पीछे एकमात्र कारण है कि इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है यानी कि फर्स्ट पेपर जो है, क्योंकि दोनों पेपर का बेटे 250 नंबर का होता है, तो फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट पेपर में आपको पूरा का पूरा वैज्ञानिक तरीके से आप इसको लिख करके तकरीबन 160 से लेकर 220-230 तक आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पर। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण, लिपि का मानकीकरण जब हम 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली नागरी लिपि का जब विकास हो गया था, उसके बाद उस समय यह तय किया गया कि भाई हिंदी भाषा में जो आप नागरी लिपि में लिख रहे हैं, देवनागरी लिपि में लिख रहे, नागरी लिपि के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो उसका मानकीकरण कुछ तो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, कुछ तो मानकीकरण होना चाहिए। क्या कह रहे हैं हम, कैसे हम किसी भी चीज़ के लिए एक मानक तय तो करते ही हैं ना, कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपको IPS बनना है तो IPS बनना है तो यह आपके लिए पहला शर्त यह है कि भाई आपकी हाइट जो, अगर आप पुरुष हैं तो आपका 165
165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, आपकी आंखें जो है 1/6 के दोष से मुक्त होनी चाहिए और आप स्वस्थ होने चाहिए। आईएएस बनने के लिए अगर आप ब्लाइंड हैं तो भी आईएएस बन सकते हैं, लेकिन आईपीएस बनने के लिए आप ब्लाइंड हैं तो आप आईपीएस नहीं बन सकते हैं। तो हम कुछ मानदंड तय करते हैं, हम कुछ मानक तय करते हैं, और जब मानक तय करते हैं उसी के आधार पर हम फिर उस क्रम में चलते हैं, उसके विकास क्रम में चलते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र के खंड क में हम हिंदी भाषा और नागरी लिपि का जो मानकीकरण हुआ है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। छठे नंबर में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, आपको मालूम हुआ कि जब राष्ट्रवादी चरण जब हो रहा था तो राष्ट्रवाद के प्रथम चरण में जब गांधी जी आते हैं उस वक्त जो उनके आंदोलन है और आंदोलन के जो तरीके रहे हैं उस तरीकों में संपूर्ण भारत को जोड़ने के लिए एक संपर्क भाषा की जरूरत थी। और इससे पहले, अंग्रेजों से पहले हमारे देश में मुगलों का शासन था, तो मुगलों के शासन में जो उनकी भाषा थी, जो राजकाज की भाषा थी, जो राजभाषा थी, वो राजभाषा तो फारसी थी, आम लोगों की भाषा उर्दू थी, लेकिन राजकाज की भाषा फारसी थी। और जब अंग्रेज आए, जब औपनिवेशिक शासन हम पर लागू हुआ कॉलोनियल सिस्टम के तहत, जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुए और अंग्रेजों ने हमारे देश को अपना उपनिवेश समझकर जब हम पर शासन करना प्रारंभ किया, तो स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐसा प्रथम चरण जब आता है तो यह महसूस किया गया कि भाई ऐसा कोई ऐसा भाषा हो जिसके आधार पर हम संपूर्ण देश को जोड़ सके, संपूर्ण देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग मतलब राज्यों के लोगों को हम एक भाषा के तहत हम जो जिसमें हम सभी लोग उस भाषा को समझ सके, सभी लोग उस भाषा में जान सके कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। और आगे मैं पढ़ाऊंगा, मुझे याद है जब मैं JNU में पढ़ता था और JNU में जब मैं MA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट था, उस वक्त डॉक्टर बी भारत तलवार हम लोगों को पढ़ा रहे थे। तो डॉक्टर बी भारत तलवार की एक प्रसिद्ध किताब थी रस्साकसी, अगर आप लोगों को मौका मिले कभी जीवन में पढ़ने का तो उसको पढ़िएगा, रस्साकसी जब पब्लिश हुआ इंडिया में तो हिंदी भाषा के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य का जो जगत है उस जगत में बड़ा कोहराम सा मचा, क्योंकि उसने, उस किताब ने यह साबित किया कि किस तरह औपनिवेशिक शासन के दौरान जो हमने अंग्रेजों से सीखा वह हमने अपने परिवारों पर भी लागू कर दिया। और आज भी भारत का समाज अपने परिवार को अपना उपनिवेश ही समझता है, और जब अपना उपनिवेश समझता है तो औपनिवेशिक शासन में जब आप किसी को अपना उपनिवेश समझेंगे तो वहाँ आपके रूल होंगे, आपके कानून होंगे, आपके द्वारा तय किए गए मानक होंगे और बाकी सब पर वह स्थापित होगा, सभी लोगों को वह मानना होगा। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि रस्साकसी का संदर्भ मैंने इसलिए दिया कि मैंने भी उसी वक्त सर से ये पूछा था कि सर ये राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास जो हुआ था वह हिंदी एक्चुअली था क्या? जब संविधान सभा ने कहा कि हम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को हम रखेंगे तो फिर यह क्यों कहा गया, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि यह फिर यह क्यों कहा गया संविधान सभा में
कि 15 वर्ष तक के लिए आप राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को भी रहने दीजिए, उसके बाद 15 वर्ष के बाद हम अंग्रेजी को हटा देंगे और उसके बाद हम क्या नाम है हिंदी को एडॉप्ट कर लेंगे, हिंदी भाषा सीख जाएंगे लोग, और हिंदी भाषा जब सीख जाएंगे लोग तो फिर उसके बाद क्या नाम है हिंदी में राजकार्य होने लगेगा और फिर हम इसको राष्ट्रभाषा के रूप में हम इसको यूज करने लगेंगे। लेकिन जो संविधान सभा में बहस हुई, आज आज़ादी के 76-77 साल बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी आज यह मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। आज भी हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाया है ना। और अलग अलग राज्यों में वहाँ की जो आधिकारिक भाषा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, वो ऑफिशियल लैंग्वेजेज अलग अलग होते हैं है ना। तो आपको यह समझना होगा कि जब गांधी जी जिस राष्ट्रभाषा की बात कर रहे थे, गांधी जी जब पूरे देश को जोड़ रहे थे राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों चरणों में, तो वो हिंदी के किस हिंदी की बात कर रहे थे? वो हिंदी एक्चुअली था क्या? वह हिंदी भी था या हिंदी था? आपको इस सेक्शन के अंतर्गत आपको ये हम समझा देंगे आपको कि वह क्या था। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के बारे में बात कर रहे थे, वह हिंदी भी था या हिंदी था? और हिंदी था तो उसका मानकीकरण क्या था? आज भी बहुत बार ये डिबेट होता है कि अरे आधिकारिक भाषा ये होती है, आधिकारिक भाषा परिभाषिक शब्दावली अलग होती है और आम बोलचाल की भाषा जो है अलग होती है। इस पर बहुत सारे कार्यक्रम आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा राज्यसभा टेलीविजन पर आता है देश देशांतर का कार्यक्रम, तो उसमें क्या नाम है जब भी 14 सितंबर को हम जब क्या नाम है हिंदी दिवस मनाते हैं, तो हिंदी दिवस मनाने के वक्त में हम पूरे देश में डिबेट करते हैं कि क्या नाम है हिंदी को हम किस तरह अधिक लोगों तक प्रसार कर सकें। और आज हालत ये है कि हिंदी जो है पूरे देश में, भारत खास करके भारत में, पूरे देश में आज एक अच्छे संपर्क भाषा के रूप में है। यहाँ तक कि जितनी विदेशी कंपनी है वो अपने जो उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं, उसके अधीनस्थ जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, उनको कहता है कि जाइए आप हिंदी सीख कर आइए, या अगर वह हिंदुस्तान में ही, भारत में ही, भारत से ही किसी लड़के लड़की का चयन करते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो वो यह देखते हैं कि उनको हिंदी भी आना चाहिए और जिस देश की वो कंपनी है उस देश की भाषा आनी चाहिए, अदरवाइज इंग्लिश आनी चाहिए। तो हिंदी किस तरह बाजार यानी कि संपर्क के भाषा के रूप में विकसित हो रही है, ये आपको इस सेक्शन के अंदर आप समझेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जब मैं इसको ड्राफ्ट के मैंने डायग्राम के थ्रू बताऊंगा तो आप इसको आसानी सीख लेंगे। इसलिए मैंने कल कहा था कि ये सबसे अंकदायी विषय है, अंकदायी विषय होने के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक विषय भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप चार्ट और ड्राफ्ट के माध्यम से आप तय समय सीमा के अंतर्गत ही, जो आपका तय समय सीमा है 8 मिनट, उसके अंदर ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। ये अब आइए 7वें सेक्शन पर। भारतीय संघ की राजभाषा के भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अब बताइए कि मैंने भी यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 6 देखिए और पॉइंट नंबर 7 देखिए। 6वें पॉइंट में कह रहा हूँ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, और 8वें सेक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय संघ की राजभाषा, नॉट राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास किस तरह हो रहा था। इसलिए मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा कि संविधान सभा में जब ये बहस चली कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए
तब दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, अभी अगर आप चाहते ही हैं कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हो तो कम से कम आप 15 साल तक के लिए इसको अंग्रेजी को भी आप राजभाषा के रूप में रहने दीजिए और हिंदी को भी राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में रहने दीजिए। यह है नेशनल लैंग्वेज और यह है ऑफिशियल लैंग्वेज, ये मूलभूत अंतर समझिए, नेशनल लैंग्वेजेस के रूप में और ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में। तो यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में हिंदी का विकास हो रहा है, अर्थात यह आधिकारिक भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास हो रहा है। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या विकास हो रहा था, राष्ट्रभाषा के रूप में विकास हो रहा था। इसके लिए बतौर पूरा आंदोलन चला, आंदोलन चलने के बाद क्या नाम है, दक्षिण के कुछ राज्यों में काफ़ी विरोध हुए। भारतीय इतिहास में जब आप भारतीय इतिहास पढ़ते होंगे तो उस वक्त क्या नाम है, वहाँ के एक नामी नेता मारे गए, मारने के बाद क्या नाम है, वो आंदोलन किया, आंदोलन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, मतलब आंदोलन के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद क्या नाम है, यह जो विवाद है खूब उग्र हो गया। और अभी आप कुछ दिन पहले सुने होइएगा कि भारत सरकार जो है जो NEP लाया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश के आधार पर जो तय किया गया, जिसमें त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला जो लाया गया है, संविधान सभा में भी त्रिभाषा सूत्र का कंसेप्ट दिया गया था, हालांकि उस वक्त लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आज भारत सरकार त्रिभाषा सूत्र के बारे में बात जब कर रही है कि एक बच्चों को उसके मातृभाषा में हमको सिखाने की ज़रूरत है, मातृभाषा की क्यों ज़रूरत है, मातृभाषा में बच्चा किस तरह बेहतर ढंग से सीख सकता है चीज़ों को। जैसे इसको छोटे से शब्द में समझिए कि जब मैं JNU का स्टूडेंट था तो वहाँ एक लड़का का 2-3 बार PhD में एडमिशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वह लड़का दक्षिण भारत के राज्य से आया हुआ था, उसकी हिस्ट्री अच्छी थी, लेकिन उसको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश में उसको डिस्क्राइब करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। फाइनली उस बच्चे का 2-3 साल के बाद सिलेक्शन हुआ PhD में। PhD में सिलेक्शन होने के दौरान जब उसका जब थेसिस लिखने की बारी आई, वो कंफर्टेबल था नहीं इंग्लिश में, और JNU के टीचरों ने कहा कि नहीं आपको इंग्लिश में ही, आपको हिस्ट्री लिखनी है तो हिंदी में लिखना है। तो अंत में वो लड़का एक सुसाइडल नोट डाल करके और क्या नाम है वो सुसाइड कर लेता है। यह विवाद काफ़ी मुद्दा बना था, काफ़ी बड़ा मैंने डिबेट का मुद्दा बना था राष्ट्रीय स्तर पर। उसके बाद विभिन्न चैनलों के माध्यमों पर, टेलीविज़न चैनल पर भी यह डिबेट हुआ था, हालांकि फिर वो डिबेट फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब उसमें एक सीधी सी बात हमको सोचनी है, थोड़ा गौर करके सोचिए, थोड़ा शांत मतलब शांतिपूर्वक आप ये सोचिए कि अगर हमको हिस्ट्री जानना है, भारत का इतिहास हमको जानना है या विश्व का इतिहास जानना है, तो इसके लिए हमें यह क्यों ज़रूरी है कि हम अंग्रेजी को भी जानें। हमको इतिहास जानना है तो इतिहास जानने के लिए हमको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए ना। हमको भारतीय समाज के अंदर जो समस्याएं हैं या भारतीय समाज का जो स्वरूप है वह किस किस रूप में है, इस चीज़ को जानने के लिए अगर हमको सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र को अगर जानना है, तो समाज के शास्त्र को जानने के लिए हम तो किसी भाषा में भी समाज शास्त्र सीख सकते हैं। फिर क्यों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के वक्त में, यहाँ तक कि अपनी थेसिस लिखने के वक्त, PhD जबकि जब थेसिस लिखी जाती है, जब शोध प्रबंध लिखा जाता है, उसमें हमें इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत क्यों है? हमारे प्रोफेसर इंग्लिश में क्यों पढ़ाए समाजशास्त्र? अगर हमको मैक्स वेबर का बम्बार्डमेंट का थ्योरी पढ़ना है, इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट की थ्योरी पढ़नी है, तो हम इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं, हम उसको अपनी लैंग्वेज, उसको हम अपने मातृभाषा में भी समझ सकते हैं। तो जब मातृभाषा में ही समझ सकते हैं तो फिर हमें अन्य भाषा को सीखने की ज़रूरत क्यों है? अगर हमको डॉक्टर बनना है, सपोज करिए कि आपको डॉक्टर बनना है, चलिए डॉक्टर नहीं, मैं आप UPSC के संदर्भ में बात करूँ कि आपको सपोज कीजिए कि आप IAS के रूप में चयनित हो गए हैं और IAS के रूप में आपका चयन हो गया, आप बिहार से थे, आपकी पोस्टिंग हो गई पंजाब में, आपको पंजाबी आती नहीं थी, तो आप क्या करेंगे भाई? आपको कैडर तो मिल गया पंजाब, तो पंजाब, तो भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार लवासना में आपको पंजाबी भाषा सिखाने के लिए कोर्स चलाती है। जिस व्यक्ति को जो राज्य मिलता है, अगर महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति को, महाराष्ट्र जो मराठी भाषी हमारे मित्र हैं,
और वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मराठी भाषा जानते हैं, उनको हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, हिंदी बोली में वो कंफर्टेबल नहीं हैं, वो अपने आप को सहज महसूस नहीं करते हैं, उस कंडीशन में उनका पोस्टिंग बतौर IAS एक बिहार के एक पिछड़े हुए जिला में हो जाता है, तो फिर वो हिंदी कैसे सीखेंगे? तो भारत सरकार उसके लिए व्यवस्था करती है, लवासन में आपके लिए व्यवस्था होती है, आपको भाषा के ज्ञान की का आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, भारत सरकार आपको सिखवाती है, और सीखने के बाद आपको जो कैडर मिलता है उस कैडर में जाने का, तो आप वहाँ की भाषा को सीख करके आप उस राज्य में जाते हैं। जैसे तमिलनाडु का कोई व्यक्ति, तमिल भाषी कोई व्यक्ति अगर बिहार आएगा तो वो हिंदी सीखेगा, और हिंदी का बेल्ट का कोई लड़का या लड़की अगर तमिलनाडु जा रहा है अगर, तो उसको तमिल सीखना पड़ेगा, और भारत सरकार उसको सिखवाती है, उसके लिए वो व्यवस्था करती है। तो कहने का हमारा अर्थ है कि चूंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग तो क्या नाम है अंग्रेजी नहीं जान रहे हैं, स्थानीय लोग तो आपको क्या नाम है ये हिंदी भी नहीं जान रहे हैं, वो तमिल जान रहे हैं, वो मलयालम जान रहे हैं, उनको नहीं आता, वो असमी जान रहे हैं, वो उनको हिंदी नहीं आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती है, और आप बतौर IAS वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, बतौर IPS आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, और आपके पास एक महिला आती है जो केवल असमी भाषा जानती है, या आपका पोस्टिंग उड़ीसा में हो गया केवल उड़िया भाषा वो जानती है, और वो आपको उड़िया भाषा में बोलना चाह रही है, तो आप वहाँ ट्रांसलेटर की व्यवस्था थोड़े करवाएंगे कि अरे ट्रांसलेटर आइए हमको ट्रांसलेट कीजिए कि ये कहना क्या चाह रही है, और फिर आप ट्रांसलेट करके उसको कहेंगे कि अच्छा साहब जो हैं ये कहना चाह रहे हैं, आप ट्रांसलेटर की व्यवस्था तो करते नहीं है वहाँ पे। आप जब एक बतौर IAS या बतौर IPS जब किसी जिले में आपकी पोस्टिंग होती है, और जो स्थानीय लोग जो स्थानीय भाषा को जानते रहते हैं, जो स्थानीय बोलियों को जानते रहते हैं, तो वह तो उन्हीं भाषा में बात करेंगे, वो आपके लिए इंग्लिश सीख कर क्यों आए, या आपके लिए वो तमिल सीख कर क्यों आए, या आपके लिए वो हिंदी सीख कर क्यों आए। तो भारत सरकार इसीलिए इसीलिए मैंने कल कहा था आपको कि कैडर जो डिसाइड होता है वो तीन ही सेवा के लिए डिसाइड होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। बाकी जितनी भी सेवाएं हैं वो केंद्रीय लेवल की सेवाएं हैं, जो ग्रुप ए और कुछ UPSC के द्वारा कुछ ग्रुप बी के भी पोस्ट होते हैं, जैसे पांडुचेरी पुलिस सेवा, पांडुचेरी प्रशासनिक सेवा, उसके बाद डानिक्स का जो सेवा मिलता है। सो तो हम इसके द्वारा ये पढ़ें कि भारतीय संघ, क्योंकि हम ये जानते हैं आपने पॉलिटी के किताब में ये पढ़ा होगा कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, तो भारत अगर राज्यों का एक संघ है तो भारतीय संघ में राजभाषा के रूप में, याद रखिए राजभाषा, यहाँ राष्ट्रभाषा और यहाँ राजभाषा है, राजभाषा का अर्थ हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ था यह आपको जानना होगा इस सेक्शन के अंतर्गत, और बहुत आसान है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खूब मजा आएगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आप आसानी से इसको समझ लेंगे, और आप UPSC के एग्जामिनेशन में आप इसको आसानी से ड्राफ्ट कर लेंगे। फिर आठवां पॉइंट है हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, और तकनीकी विकास, तकनीकी विकास, इस हिंदी भाषा में किस तरह वैज्ञानिक भाषा, किस तरह इसमें वैज्ञानिक चीजों का विकास हुआ है, तकनीक के क्षेत्र में समझ लीजिए कंप्यूटर आया, कंप्यूटर आने के बाद कंप्यूटर में किस तरह हिंदी का हमने लिपि, मैंने हिंदी में जो देवनागरी लिपि थी उसको किस तरह विकास किया हम, उसके लिए कौन कौन सा टूल अपनाए हम, और जब उस टूल को अपनाए तो हमें क्या दिक्कत हुई, क्या फिर उसको हमने सॉल्व किया, तो उस पर पूरा एक डिटेल था, पूरा राजभाषा आयोग का पूरा एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का आपको हम बताएंगे इस सेक्शन के अंतर्गत कि इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी विकास किस तरह होता है। आप एक शब्द मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपका एडमिशन IIT दिल्ली में हुआ, और IIT दिल्ली में आपने सिविल का ब्रांच सुना,
और आपको बनाना है भारत में जितना भी पथ निर्माण विभाग में आपकी पोस्टिंग हो गई और आपको भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में का जो डिपार्टमेंट है, हाईवे का जो डिपार्टमेंट है, उस हाईवे डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो गई और बतौर आप चीफ इंजीनियर वहाँ जा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपको सड़कों का ज्ञान होना जरूरी है या इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी है? सड़क कैसे बनेगी या पुल कैसे बनेगा या पुल के ऊपर रेलिंग कैसे बनेगी, उसका क्या मापदंड होगा, आपको उसका ज्ञान होना जरूरी है ना। उसके लिए तो इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, हम लोकल लैंग्वेज में भी तो चीज़ों को सीख सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप बिहार के किसी ऐसे ज़िले में गए हैं जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है और आपको एक ग्रामीण क्षेत्र में, इसीलिए जब मैं कह रहा हूं कि जब सेकेंड पार्ट में जब इसको पढ़िएगा मैलांचल डॉक्टर प्रशांत की कहानी, तो डॉक्टर प्रशांत का जब स्टेटमेंट पढ़िएगा आप, जब मैं आपको हिंदी भाषा और साहित्य के प्रश्न पत्र दो को जब मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको, खास करके गद्य साहित्य में, तब आपको बताऊंगा कि मैलांचल जो उपन्यास है, उस उपन्यास में जब डॉक्टर प्रशांत जो उस मैलांचल उपन्यास का नायक है, हालांकि फणीश्वरनाथ रेणु तो कहते हैं कि मैंने किसी को नायक नहीं बनाया है, मैंने तो अंचल को ही नायक बनाया है, लेकिन आमतौर पर जब आप उसको नायक के रूप में जब प्रशांत को देखते, तो प्रशांत कहता है कि यहाँ का सबसे बड़ा रोग गरीबी और अशिक्षा है। लोगों मतलब जो उस पूर्णिया का एक अंचल को लिया गया है, उस अंचल के बारे में उसने डिस्क्राइब किया उस उपन्यास के फॉर्म में, आज़ादी से पहले लिखी गई है, बड़ा अच्छा आंचलिक उपन्यास के का एक प्रतिनिधि उपन्यास माना जाता है मैलांचल। जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि अब मान लीजिए कि आपको बिहार में किसी ऐसे ज़िले में दे दिया गया है पोस्टिंग आपकी, जहाँ आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है और आप डॉक्टर के रूप में, या मान लीजिए कि आप डॉक्टर के रूप में वहाँ गए हैं और वहाँ आप रोगियों से बात कर रहे हैं और वो अपनी भाषा में बात कर रहा है, तो मुझे ये बताइए कि आप एक डॉक्टर के रूप में, आपके लिए चिकित्सीय ज्ञान यानी कि डॉक्टरी की डिग्री यानी डॉक्टरी का ज्ञान होना जरूरी है या इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी है? अभी मध्य प्रदेश ने MBBS के कोर्सेज के लिए हिंदी को कहा कि अब हिंदी में भी, आप मध्य प्रदेश में कहा कि नहीं अब हिंदी में भी आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते हैं? हमको रोग का ज्ञान होना जरूरी है ना, रोग का कैसे उपचार होगा इस बात का नॉलेज होना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए ना। ये जरूरी थोड़े है कि अगर हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। लेकिन भारत में चूंकि हम उपनिवेशिक शासन से जैसे ही बाहर निकले थे, तो हमें ये लगा कि नहीं, अंग्रेजी को हम प्रमुखता से एस्टैब्लिश करते, हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं, हम जब हिंदी भाषा और साहित्य को पढ़ा रहे हैं तो हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं, किंतु हम यह कहना चाह रहे हैं कि हम पे आप अंग्रेजी थोपिए भी तो नहीं। अगर मुझे भारत का इतिहास जानना होगा तो हम हिंदी में भी जान सकते हैं, अगर हमें भारत के समाज को जानना होगा तो हम हिंदी में भी जान सकते हैं, अगर हमें भारत के भूगोल को जानना होगा तो हम हिंदी में भी जान सकते हैं, हम अपनी मातृभाषा में भी जान सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश का ही ज्ञान होना चाहिए। अगर यह भारत सरकार का कार्य है कि उस क्षेत्रीय भाषा में जो भारत के अष्टम अनुसूची में जो अष्टम अनुसूची में जितने भी 22 भारतीय भाषाएं हैं, उस 22 भारतीय भाषाओं में आप जो वैज्ञानिक विषय है, जो विज्ञान के विषय हैं या जो चिकित्सा के विषय हैं जिसको मेडिकल साइंसेस के सब्जेक्ट्स कहते हैं, उनको उस भाषा में ट्रांसलेट करवाए, अनुवाद करके लोगों के सामने लाए, और आसानी से आप क्या नाम उसको पढ़ करके, आपको रोग के बारे में जानना है, उसके उपचार के तरीके के बारे में जाननी थी, और आप वो जानते हैं और आप एक बेहतर डॉक्टर बनते हैं। तो इस तरह हम यहाँ आज तक हम समझेंगे कि हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास किस तरह हुआ, किस तरह इसमें वैज्ञानिक टूल्स के प्रयोग हुए, किस तरह इसमें टेक्निकल चेंजेज आए, इसके बारे में हम इस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे और ये पूरा आपको हम ग्राफ और चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। हम अब आगे आते हैं इसी सब्जेक्ट में 9वें पॉइंट पर। नवे पॉइंट के रूप में हम आते हैं,
नवा पॉइंट है हिंदी की प्रमुख बोलियां और उसका परस्पर संबंध। हिंदी की प्रमुख बोलियां, प्रमुख बोलियां बोलियां और उनका परस्पर संबंध, परस्पर संबंध की इस सेक्शन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि आप ये जानते हैं कि अमूमन बहुत सारे राज्यों में हिंदी बोली जाती है। अब जो राजस्थान में जो मेवाती लोग बोलते हैं या कन्नौजी जो लोग बोल रहे हैं या ब्रज जो बोला जा रहा है या अवधी जो बोल रहा है या जो मगही जो बोल रहा है, जो मैथिली बोल रहे हैं, हालांकि मैथिली का अपना भाषा है, अपना क्या नाम है उनकी अपनी साहित्य है, लेकिन तब भी अगर मैथिली को भी अगर हम विद्यापति के जब हम प्रारंभिक काव्य में पढ़ते, आदिकाल में जब पढ़ते तो विद्यापति के काव्य को पढ़ते जब हैं तो हम अभट और क्या नाम है अभ्रंश के थ्रू जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम मैथिली का भी उसी में संदर्भ ले लेते हैं। तो हमारा कहने का अर्थ यहाँ पर यह था कि हम इसमें यह समझेंगे कि हिंदी जो इतना बड़ा हिंदी प्रदेश है, इतनी बड़ी हिंदी बेल्ट है, और इस हिंदी बेल्ट में, इस हिंदी भाषी राज्यों में जो हर तीन तीन कोस के बाद एक कहावत प्रसिद्ध होती है, एक लोकोक्ति है कि हर तीन कोस पर पानी बदल जाता है, और हर तीन कोस पर, तीन कोस यानी कि कोस को अगर आई थिंक कि अगर किलोमीटर के मामले माने तो 5-7-10 किलोमीटर के बाद लोगों की बोलियां, लोगों की भाषा बदल जाती है। तो हर तीन कोस के बाद बोली बदल जाती है और हर तीन कोस के बाद पानी बदल जाती है। लेकिन अब हमको समझना यह है कि हिंदी के अंतर्गत ही हम कन्नौजी भी पढ़ते हैं, हिंदी के अंतर्गत ही हम ब्रजभाषा भी पढ़ते हैं, हिंदी के अंतर्गत ही हम अवहट भी पढ़ रहे हैं, अभ्रंश भी पढ़ रहे हैं, खड़ी बोली भी पढ़ रहे हैं, हरियाणा में जो हिंदी बोली जा रही है उसको भी पढ़ रहे हैं, और राजस्थान में जो हिंदी बोली जा रही है उसको भी पढ़ रहे हैं। तो इनकी जो बोलियां, भोजपुरी भी बोल रहे हैं, तो इन बोलियों का जो हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, इन बोलियों के बीच में आपस में किस तरह का संबंध है, इस बारे में हम इस सेक्शन के अंतर्गत समझेंगे। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, हम जब आपको डिस्क्राइब करेंगे, अभी तो मैं आपसे केवल सिलेबस डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले या किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आप उसके सिलेबस के बारे में जान लीजिए। जब सिलेबस के बारे में आप जान जाइएगा उसके बाद आप तैयारी को अपने धारदार तरीके से उसमें आप धार दे सकते हैं और फिर आसानी पूर्वक उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यह सोचा कि पहले आपको सिलेबस, जो यूपीएससी का सिलेबस, इसीलिए मैंने यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर इस सिलेबस को डाउनलोड करके आपके सामने आया कि मैं आपको जो यूपीएससी ने जो भाषा, जिस शब्द का प्रयोग किया है उस शब्द का ही प्रयोग मैं करूं और उसके आधार पर आप समझिए कि हमारा सिलेबस क्या है। इसके 10th नंबर सेक्शन में जो आता है, दसवें नंबर सेक्शन में आता है नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप, तथा
मानक हिंदी का स्वरूप। इस सेक्शन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि नागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं, वो किस मात्रात्मक स्टाइल में लिखी जानी चाहिए, किस तरह उसको लिखे जाए उसके और लिखा जाना चाहिए और उसमें उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके तहत हम ये सीखेंगे। और भारत सरकार ने जो एक मानक तय किया है, एक मानदंड तय किया है, वो हिंदी में उस मानक का क्या स्वरूप है, उस स्वरूप के बारे में हम इस सेक्शन के अंतर्गत चर्चा करेंगे। और 11वां है मानक हिंदी का की व्याकरणिक संरचना। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारत सरकार ने जो हिंदी के लिए एक मानक तय किया है कि ये सब मानक होगा, और जब मानक होगा तो उसका हम आगे बात करेंगे आप पंच अक्षर के बारे में कि उसके लिए हम क्या तय किए हुए हैं, भारत सरकार ने क्या तय किया है, और उसको अगर हम जब लिख रहे होते हैं तो उसका व्याकरण के दृष्टिकोण से हम इसको कैसे ड्राफ्ट करेंगे, व्याकरण के दृष्टिकोण से कैसे हम लिखेंगे, इस बारे में हम इस सेक्शन के अंतर्गत चर्चा करेंगे। ये 11 टॉपिक है और यह 11 टॉपिक खंड क में आता है, जो हिंदी भाषा और साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम भाग में खंड क में ही आता है। और ये पूरा का पूरा सेक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको इसके बारे में जब विस्तृत व्याख्या करूंगा, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा किस तरह चार्ट और डायग्राम के माध्यम से किस तरह आप इसको यूपीएससी के पर्पस से, जो यूपीएससी डिमांड करती है संघ लोक सेवा आयोग में, जिस तरह के आंसर को वो संघ लोक सेवा आयोग चाहता है कि छात्र इस तरह आंसर लिखे, उसमें आप अपने तय समय सीमा के अंतर्गत कैसे सारे क्वेश्चन का आप जवाब लिख सकते हैं, ये पूरा मैं इस सेक्शन में बताऊँगा। अब मैं आता हूँ इसके खंड ख में। आइए इसके ख में हम बात करें, खंड ख में क्या है ना, खंड ख का सिलेबस हम थोड़ा जान लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। खंड ख के सिलेबस में कहा जा रहा है कि इसमें आपको पढ़ना है, खंड ख के पहले सेक्शन में आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या पढ़ना है, अभी तक हम भाषा के बारे में बात कर रहे थे, हिंदी भाषा का किस तरह विकास हो रहा था, सो अब हम हिंदी साहित्य के बारे में आ रहे हैं। इसीलिए यूपीएससी में जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है वो हिंदी नहीं होता, लोग आमतौर बोलते हैं कि आपका ऑप्शनल पेपर क्या है, तो डायरेक्ट बोल देगा बच्चा लोग क्या, या अक्सर जो छात्र आपस में बात करते वैसे बोल देंगे कि हमारा वैकल्पिक विषय हिंदी है। हिंदी उसका पूरा नाम है हिंदी भाषा और साहित्य। जब आप फॉर्म भरते हैं, मैंने प्री में भी जब फॉर्म भरते हैं, तो जब आपसे पूछा जाता है कि आप में आपका मेंस में कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो उसमें आप लिखते हैं हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी भाषा और साहित्य। तो वैकल्पिक विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम खंड में हम हिंदी भाषा के विकास के बारे में, उनके मानकीकरण के बारे में, उनके राष्ट्रभाषा के विकास के
के रूप में किस तरह विकास हुआ उसके बारे में, फिर राजभाषा के रूप में किस तरह विकास हुआ उसके बारे में, उसमें क्या क्या वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोग हुए हैं, तकनीकी विकास हुआ उसके बारे में, तो हम हिंदी भाषा के बारे में वहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन खंड ख में हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हमको जानना पड़ेगा। किसका जानना पड़ेगा? हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना। अगर इसको हम अंग्रेजी में बोले, इंग्लिश में बोले, तो हमको हिंदी लिटरेचर का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जानना होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। और एक अच्छी बात यह है कि जब आप इसके जो प्रश्न पत्र ख में जो आप पढ़ते हैं फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत, वो आपको प्रश्न पत्र दो में भी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जब आप पढ़ते हैं जो चीज़, वही चीज़ उसका मैक्सिमम पार्ट आपको प्रश्न पत्र दो में मिल जाता है। एक ही चीज़ पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपको उसका सेक्शन दो जो है, सेक्शन दो में भी, मतलब प्रश्न पत्र जो दो है, वो प्रश्न पत्र दो में भी बहुत सारा जो चीज़ है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आपको माने ऐसा नहीं कि प्रश्न पत्र दो में उसके लिए एक विशेष अध्ययन करने की ज़रूरत है, नहीं। अगर हम कबीर के बारे में, अगर इतिहास के बारे में जब हम बात करेंगे, अगर हम संत साहित्य के बारे में बात करेंगे, अगर जब हम, या जब हम मध्यकाल की बात करेंगे, मध्यकाल में जब बात करेंगे हम, या जब हम क्या नाम है सूफी आंदोलन की बात करेंगे, या नाथ परंपरा की बात करेंगे, या निर्गुण परंपरा की बात करेंगे, या सगुण परंपरा की बात करेंगे, तो उस वक्त हम बात करेंगे कि कबीर किस तरह थे, सूरदास क्या लिख रहे थे, जायसी क्या लिख रहे थे, तुलसीदास क्या लिख रहे थे। फिर राष्ट्रवाद जब हम 19वीं शताब्दी में आते हैं तो क्या नाम है राष्ट्रवाद किस राष्ट्रवाद का किस तरह स्वरूप ले रहा था भारत में, क्रांति मतलब आंदोलन कौन सा स्वरूप ले रहा था, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसी 20वीं शताब्दी में जब आएंगे तो जयशंकर प्रसाद के बारे में जानते हैं, निराला जी के बारे में जानते हैं, उसके बाद के कालखंड में दिनकर जी को जानते हैं, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, ये सब के बारे में जानते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास जो आपके पेपर सेकंड में भी, सेकंड मतलब पेपर फर्स्ट में जो सेक्शन बी में यानी कि खंड ख में जो आता है उसमें आपको समझना होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। सेक्शन ए में हम, सेक्शन क में हम हिंदी भाषा का विकास जान रहे थे, हिंदी भाषा का इतिहास हम जान रहे थे। हम वहाँ क्या जान रहे थे? हिस्ट्री ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस। और यहाँ पे हम क्या जान रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत हमको पढ़ेंगे क्या कि उस वक्त में किस तरह की परंपरा थी, इतिहास लेखन हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता, हिंदी साहित्य की, साहित्य हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता, की प्रासंगिकता और महत्व, और महत्व तथा हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा, में इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास लेखन की परंपरा। इस सेक्शन के अंतर्गत हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें हम जिसको कहते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, रीतिमुक्त काल, रीति सिद्ध काल, जो हम जानते जब हम इसके बारे में जानेंगे तो हम इसमें जानेंगे कि इतिहास लेखन की परंपरा में विभिन्न जो आलोचक हैं या विभिन्न जो हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों में आपस में मतभेद हैं, लेकिन उन मतभेदों के आधार पर भी एक मोटा मोटी काल निर्धारण हुआ है। और उस काल निर्धारण में कि एक समय को हमने एक प्रवृत्तियों के आधार पर, उस वक्त जिस तरह के साहित्य लिखे जा रहे थे, उस साहित्य के लिखने के आधार पर उसकी जो प्रवृत्तियाँ थी
उस लेखन की में जिस प्रकार की प्रवृत्तियां झलक रही थी उस आधार पर हमने हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। इस बारे में जानेंगे मिश्र बंधु, जॉर्ज गेर्सन, गार्सियस लोरकासी, बहुत सारी चीज़ जानेंगे। तो जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे उस वक्त हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके दूसरे सेक्शन में आइए, हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित चार कालों की प्रवृत्तियां। मैंने अभी तुरंत कहा था कि काल के बारे में हम समझेंगे, किस तरह एक पीरियड को हम डिफाइन करते हैं, कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां, है ना। हम इसमें देंगे कि इसका किस तरह की साहित्यिक प्रवृत्तियां उसमें थी, इस मतलब जो हमने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल जो हमने हम बांटा है उसमें हमको जानना होगा। तो साहित्यिक प्रवृत्तियां, है ना, प्रवृत्तियां। अब देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित चार कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां, उसमें पहली प्रवृत्ति कौन है, तो पहली प्रवृत्ति है आदिकाल, है ना, आदिकाल। और मैंने आपको जब हिंदी भाषा के बारे में बता रहा था तो हिंदी भाषा के समय में ही बता रहा था कि भाई हिंदी भाषा के जब मैं बात करता हूँ उसमें सिद्धनाथ और रासो साहित्य की बात कर रहा था, चंद्रवरदाई, खुसरो हेमचंद्र विद्यापति की बात कर रहा था। तो आदिकाल की क्या प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति में कौन कौन राइटर थे, तो उस वक्त थे सिद्ध और नाथ की परंपरा, रासो साहित्य, है ना। रासो साहित्य पर काफ़ी विवाद हुआ है भारत में, तो हम उस विवाद के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर उसके कौन कौन से कवि रहे, चंद्रवरदाई, खुसरो, हेमचंद्र विद्यापति, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है भक्ति काल, जो हम मध्यकाल में भाषा की बात कर रहे थे, सेक्शन ए में जब हम इसी पेपर में वैकल्पिक विषय हिंदी भाषा और साहित्य के फर्स्ट पेपर में जब भाषा के संदर्भ में जब हम पढ़ रहे थे तो उस वक्त हम जब बात कर रहे थे कि क्या मध्यकाल में किस तरह की बात आ रही थी, तो उसी के दौरान हम भक्ति काल में क्या पढ़ेंगे, हम भक्ति काल में हम पढ़ेंगे कि रीति काव्य क्या था, रीति सिद्धि काव्य क्या था, रीति मुक्त काव्य क्या था। प्रमुख कवि हम पढ़ेंगे केशव, जिसको कठिन प्रेत का कवि कहा जाता है, बिहारी को पढ़ेंगे, पद्माकर को पढ़ेंगे और घनानंद को पढ़ेंगे, ये भक्ति काल में आ जाएगा। फिर आएगा उसके बाद रीति काल में हम क्या पढ़ेंगे, रीति काल। और भक्ति काल में जब आपको पढ़ाएंगे, रीति काल में पढ़ाएंगे, तो उसमें हम दो सेक्शन में बांट देंगे कि रीति सिद्ध काव्य धारा क्या रहा है और रीति मुक्त काव्य धारा क्या रहा है। तो रीति काल में हम ये देखेंगे कि रीति काव्य क्या रहा है ना, उसके बाद रीति सिद्ध काव्य क्या रहा है, रीति मुक्त काव्य क्या रहा है, और इसी में केशव भी पढ़ेंगे, बिहारी भी पढ़ेंगे, घनानंद भी पढ़ेंगे और पद्माकर भी पढ़ेंगे। और भक्ति काल में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो भक्ति काल में हम पढ़ रहे हैं संत साहित्य, जैसे मैंने जब कहा था कि जब भाषा में पढ़ रहे थे तो संत साहित्य की भाषा में पढ़ रहे थे सेक्शन ए में, उसी में हम पढ़ रहे थे किसको, सूफी काव्यधारा को पढ़ रहे थे, कृष्ण भक्ति की काव्यधारा पढ़ रहे थे, राम भक्ति की काव्यधारा पढ़ रहे थे। और इस सेशन को, आज जिस सेशन को मैं स्टार्ट किया था, तो मैंने उसी वक्त आपको सेशन के शुरुआत में ही कहा था कि कबीर का भी राम राम है और तुलसी के यहाँ भी राम है और कृष्ण के भी राम, और क्या बोलते उसको, गांधी के भी राम है। तो राम तो तीनों जगह हैं और इस तीनों राम में मूलभूत अंतर क्या है, कुछ तो अंतर है कि जब बिहारी लिख रहे थे उस वक्त का काव्य और जब कबीरदास लिख रहे हैं राम के बारे में, तो राम उनके भी आराध्य हैं लेकिन उनके आराध्य जो राम है वो निर्गुण है, जो घट घट के स्वामी है, लेकिन तुलसी के जो राम राज्य है और तुलसी के राम राज्य पर हमेशा सवाल उठता है, हमेशा इस पर बहसें होती है, तुलसीदास के पक्ष में और विपक्ष में अनेक तर्क दिए जाते हैं। खैर आपको जब हम पढ़ाऊंगा तो उसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिया है तो वो बताऊंगा,
लेकिन मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, अभी तो मैं सिलेबस डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो उसके संदर्भ में आप ये जान लीजिए कि कबीर जब तुलसीदास जिस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं उस राम राज्य में टैक्स व्यवस्था की बातें हो रही है कि राजा का व्यवहार क्या होना चाहिए, अर्थात राजा तो आधुनिक लोकतंत्र में राजा कौन, लोकतंत्र में तो हम राजा को चुनते हैं भाई, लोकतंत्र में तो राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता है। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह एक शासक को अपने जनता के लिए किस तरह के टैक्सेस की व्यवस्था करनी चाहिए, किस तरह से उसे टैक्स लेना चाहिए, कितना टैक्स लेना चाहिए, किस तरह उनके कल्याण के लिए योजनाएं चलानी चाहिए। तो राम राज्य का जो कंसेप्ट है वो राम राज्य का कंसेप्ट के मूल में है कि राजा का व्यवहार न्यायोचित होना चाहिए, राजा कभी भी मध्यकालीन राजा की तरह नहीं हो जो सन की हो और जो जिस पर कोई अंकुश ही ना हो, मूड हुआ तो किसी का गर्दन काट दिया, मूड हुआ तो किसी को राज्य दे दिया, ये क्या मतलब हुआ। राजा है तो उसके लोग, राजा के अंदर यानी कि शासक, जब हम जनता, जब हम लोकतंत्र के विचारों में पढ़ते हैं, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, जब हम राजनीति शासन व्यवस्था और राजनीति जब पढ़ते हैं भारत का सिविल सर्विसेज के दौरान, तो जो पढ़ते हैं ना कि लोकतंत्र में हम चुनते हैं चीज़ों को, हम अपने सांसदों को, हम अपने विधायकों को चुनते हैं, और भारत में बहुत दिनों से राइट टू रिकॉल माने हमारे जनप्रतिनिधियों को वापस बुला लेने की बात पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन तो अभी तक वो न संसद में डिबेट हुआ है और न ही विधानसभा में, लेकिन यह भी एक मांग उठती जा रही है कि अगर हमारे सांसद या विधायक महोदय अगर काम नहीं करते हैं, हमारे क्षेत्र से चुन के गए हुए हैं, जो तानाशाह बन जाते हैं, तो उनको फिर वापस, जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि उसको वापस बुला लेना चाहिए। तो खैर ये डिबेट का दूसरा पहलू है, हम उस पहलू की तरफ अभी नहीं जाएंगे। अभी हम जाएंगे कि तुलसी, जब हम इस भक्ति काल में पढ़ेंगे तुलसी का जो काव्य पढ़ेंगे तो कृष्ण भक्ति का काव्यधारा पढ़ेंगे, कृष्ण के संदर्भ में जो लिखे जा जिस तरह के काव्य लिखे जा रहे थे उसके बारे में बात करेंगे हम, और राम के बारे में जिस तरह के काव्य लिखे जा रहे थे उसके बारे में बात करेंगे, और रीति काल में ही हम पढ़ेंगे क्या, रीति काल के अंदर वही रीति मुक्त काव्य क्या था, रीति सिद्ध काव्य क्या था, रीति छंद काव्य क्या था, इस सब के बारे में हम आपको पढ़ेंगे, रीति मुक्त काव्य, रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य, जिसमें हम केशव बिहारी, पद्माकर और घनानंद पढ़ेंगे। और इसका चौथा सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं यहाँ चौथा सेक्शन इंडिकेट कर देता हूँ, आधुनिक काल है ना, आधुनिक काल जो इतिहास, जब मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगा तो आधुनिक काल में हम पढ़ाएंगे, पहला ही उसका कंसेप्ट है पुनर्जागरण। अच्छा मुझे आप लोग ये बताइए, नवजागरण या पुनर्जागरण जिसको बोलते हैं, तो इसका चार का क आता है पुनर्जागरण यानी कि नवजागरण। नवजागरण ये रेनेसा का जो कंसेप्ट है, पुनर्जागरण का जो कंसेप्ट है वो किस तरह का कंसेप्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम ऐसा करते हैं, ये चूंकि आधुनिक काल चूंकि लंबा खंड है इसलिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, फिर हम आधुनिक काल के बारे में डिस्क्राइब करके फिर आप से आज इस पेपर फर्स्ट के बारे में सारा डिटेल्स पढ़ लेंगे। तो हम आधुनिक काल में आते हैं, आधुनिक काल चौथे सेक्शन, आधुनिक काल में हम किस किस को पढ़ेंगे, तो आधुनिक काल में पढ़ेंगे हम नवजागरण, गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल में कौन कौन लोग थे वो, तो भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक कौन कौन थे, तो भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर उसके बारे में पढ़ेंगे हम हिंदी, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जिसमें छायावाद है, इसमें हम पढ़ देंगे भारतेंदु मंडल है ना, और उनके लेखक जो है, प्रमुख लेखक जो है सो मंडल और उनके प्रमुख लेखक कौन कौन कवि रहे हैं वो, जिन्होंने गद और पद दोनों में लिखा है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे मोटा मोटी इसके इस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे।
और उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, आधुनिक हिंदी कविता, है ना। आधुनिक हिंदी कविता में जो प्रवृत्तियां हैं, आधुनिक हिंदी कविता में, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, की प्रमुख प्रवृत्तियां। और यह सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है, इसको जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताएंगे आपको हम प्रमुख प्रवृत्तियां कि किस तरह छायावाद का उदय होता है ना, और छायावाद के प्रवृत्तियां। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, छायावाद, क्या पढ़ेंगे, छायावाद। छायावाद के बाद पढ़ेंगे प्रगतिवाद, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के बाद पढ़ेंगे प्रयोगवाद, प्रयोगवाद, प्रयोगवाद। उसके बाद नई कविता आंदोलन जो हुआ है, तो नई कविता, नई कविता। उसके बाद नवगीत जो आंदोलन हुए हैं, तो नवगीत के बारे में भी हम जानेंगे। नवगीत, समकालीन कविता, समकालीन कविता, समकालीन कविता। और जनवादी कविता, और जनवादी कविता। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आप एकदम आसानी से इसको समझते जाइएगा कि हिंदी साहित्य की, हिंदी की में जो कविताएं लिखी जा रही थी आधुनिक काल में, भक्ति काल में अलग तरह की कविताएं लिखी जा रही थी, उनकी अलग प्रवृत्तियां थी। आदि काल में अलग प्रवृत्तियां थी, भक्ति काल में अलग प्रवृत्तियां थी, रीति काल में अलग प्रवृत्तियां थी। जो आधुनिक काल है, तो आधुनिक काल में जब हिंदी की कविताएं जो लिखी जा रही थी उसमें किस तरह की प्रवृत्तियां थी, तो उसमें छायावाद जम करते, छायावाद के प्रमुख स्तंभों के बारे में बात करते हैं हम, है ना। जब हम क्या नाम है, मैथिली शरण गुप्त, सॉरी, जब हम क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं, महादेवी वर्मा की बात करते हैं, तो उस छायावाद में किस तरह का प्रयोग हो रहा था, मैंने छायावाद में किस तरह कविताएँ लिखी जा रही थी, प्रगतिवाद क्या चल रहा था। और इन कविताओं में आप ये गौर करिएगा, जब मैं इसको पढ़ाऊँगा तो आपको समझाऊँगा किस तरह छायावाद के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, तो हम उसी वक्त भारत के अंदर यानी कि भारत के इतिहास में उस समय में किस तरह के आंदोलन चल रहे थे, हम पे हमारे 1947 से पहले तक हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत था। और ब्रिटिश हुकूमत में जब जनता लामबंद हुई, जब गांधी आए और गांधी ने जो राष्ट्रवाद के प्रथम चरण, जो राष्ट्रवाद का जो जन्म हुआ, और राष्ट्रवाद के प्रथम चरण में जब गांधी आ रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग के दौरान जो उस वक्त के कवि किस तरह लिख रहे थे, उसमें क्या प्रतिबिंबित हो रहा था, ये आप समझ पाएंगे। और एक चीज़ जो बहुत ही, जो साहित्य के बारे में कहा जाता है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, समाज में जो भी घटनाएं घट रही होती है साहित्य उस चीज़ को बयान कर रहा होता है। बहुत बार तो यह होता है कि भारतीय राजनीति में जिस चीज़ पर कुछ सालों के बाद चर्चा होगी, उससे पहले साहित्य में उस पर चर्चा हो गई रहती है, और कवि या साहित्यकार या लेखक या रचनाकार उस चीज़ को लिख रहे होते हैं समाज के उस समस्या के बारे में, उस समय के तत्कालीन समय के समाज में जो तत्कालीन समस्याएं थी, उन समस्याओं के बारे में उस समय के कवि या रचनाकार या लेखक या नाटककार या साहित्यकार लिख रहे होते हैं। तो इसीलिए साहित्य के बारे में कहा जाता है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, साहित्य में समाज का चित्र प्रतिबिंबित होता है। छायावादी कविता जब आप पढ़िएगा तो आप उस वक्त समझिएगा कि छायावादी जो दौर है, उस दौर में भारत का जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री था, यानी कि मुख्य धारा का जो इतिहास था, उसमें क्या उथल पुथल हो रहा था, उसमें किस तरह के प्रयोग हो रहे थे, प्रगतिवाद में किस तरह का प्रयोग हो रहा था। प्रगतिवाद के बारे में हम जानेंगे तो हम जानेंगे कि प्रगतिवाद
का जब दौर चला तो उसमें कविताओं में किस तरह की चीज़ें लिखी जा रही थी। फिर हम प्रयोगवाद पढ़ेंगे, नई कविता पढ़ेंगे, नवगीत पढ़ेंगे, समकालीन कविता पढ़ेंगे और फिर अंत में आएंगे जनवादी कविता। तब आप जब कविता को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अभी डिस्क्राइब उस पर नहीं करूँगा। डिस्क्राइब जब दोनों पेपर के सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में जब आपसे चर्चा कर लेंगे तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हम आपसे इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जैसे एक कविता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, ये सुदामा पांडे धूमिल की एक कविता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक आदमी वह भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ कि वह व्यक्ति कौन है, हमारे देश की संसद मौन है। जब इस कविता को पढ़ेंगे आप तो आपको लगेगा कि आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने समाज से कि एक व्यक्ति जो है रोटी बेलता है, समाज में एक श्रमिक वर्ग है जो रोटी बेलने का काम कर रहा है, एक उपभोक्ता वर्ग है जो रोटी खाने का काम कर रहा है, लेकिन एक तीसरा वर्ग भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। और कभी पूछता उससे कि वह तीसरा व्यक्ति कौन है, मैं पूछता हूं कि वह तीसरा व्यक्ति कौन है, हमारे देश की संसद मौन है ना। जब आप जनवादी कविता के दौर में आएंगे, जब नई कविता आंदोलन के दौर में आएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। जब कभी जब यह लिख रहा होता है कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, तब आप समझ पाएंगे कि हम कहना क्या, कवि कहना क्या चाह रहा है। कवि यह कहना चाह रहा है कि जब जब हम लोकतंत्र में जिस जनप्रतिनिधि को चुनकर हम अपने लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम प्रतिनिधि को चुनते हैं, खुद तो शासन करते नहीं हैं, हम जनप्रतिनिधि को चुनते हैं सांसदों के रूप में, विधायकों के रूप में, सांसद और विधायक के रूप में हम उनको चुनते हैं। और जब चुनते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि जब वो पूर्ण बहुमत की सरकार में आते हैं लोग, तो बहुत सारे ऐसी नीतियाँ लाते हैं जो जनता के हितों के लिए उस वक्त कारगर नहीं होता है। और जब वो कारगर नहीं होता है तो जब इसके सेकेंड वर्ड पढ़ेंगे, कुकुर मुत्ता पढ़ेंगे, तो आप समझेंगे कि मतलब किस तरह की बातें हो रही है। तो पूंजीवादी व्यवस्था और सर्वहारा वर्ग के बीच की जो लड़ाई है, सर्वहारा वर्ग समाज का हाशिए, जो हाशिया पर जो वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, उनके बीच के आपसी का द्वंद्व, उनके बीच का द्वंद्व क्या है, उस द्वंद्व के बारे में आप समझेंगे। तो साहित्य को समझते हुए आप इतिहास को समझेंगे, और इतिहास ऐसा माना जाता है कि इतिहास में केवल फैक्ट होते हैं, जबकि साहित्य भले ही कल्पना पर लिखी गई होती है किंतु उसमें सब कुछ सच होता है। उस समाज का सब कुछ सच, उस वक्त का जो समाज है, उस समाज का सारा सच कविता, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रा संस्मरण इत्यादियों के माध्यम से उस वक्त के समाज का सारा चित्रण रचनाकार अपने कृति में करते हैं। वह हो सकता है कि केवल पात्र के मामले में वह कल्पनाशीलता का सहारा लेता है, किंतु बाकी घटनाक्रम जो होता है वह पूरा का पूरा सत्य घटना होता है। तो जब इस पढ़ेंगे प्रयोगवाद में किस तरह का प्रयोग आया था, नई कविता में किस तरह के आंदोलन हुए थे, है ना, जब आप पढ़ेंगे जनवादी कविता, समकालीन कविता, तो आप समझ पाएंगे। जब आप नागार्जुन को पढ़ेंगे तो नागार्जुन को पढ़ते हुए जब आप पढ़ेंगे अकाल के बाद चार दिवस तक तिया रोई चूल्हा रहा उदास, जब इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमारे भारतीय समाज में आज भी, खास करके अगर मैं जिस राज्य से आता हूँ, हालांकि मैंने मेरी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हुई है, तो मैं जिस राज्य से आता हूँ आज भी शिक्षा के नाम पर करोड़ों अरबों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर शिक्षा का जो बदहाली है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वहाँ पे नागार्जुन की एक कविता है, और जब उस कविता को आप पढ़ेंगे तो आपको भारत के उस समाज का आपको आपके सामने वो दृश्य दिखेगा कि भारत का समाज क्या है। तो जब आप ब्यूरोक्रेट्स के रूप में जब आप बनकर जाएंगे, जब आप एज एन आईएएस ऑफिसर, एज एन आईपीएस ऑफिसर आप जाएंगे,
और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में ये सब दिक्कत है, तो इन दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है। नागार्जुन की उस कविता में है कि मिनट मिनट पर लगाकर चार मिनट मिनट पर लगाकर तमाचे ऐसे दुखहरण मास्टर करता है आदम के सांचे, है ना। फटी भीत है, मतलब उसकी उस कविता का पूरा जो भावार्थ भावार्थ ये है कि जो जो विद्यालय जो बना हुआ है उसकी छत जो है वो छत टूटी हुई है, फटी भीत है, छत चूती है, छत चू रहा है, और वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। विद्यालय का हालत ये है कि भवन भी ठीक से नहीं मिल रहा है विद्यालय को। शिक्षकों के वेतन की तो बात दूर की बात रही, शिक्षक को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, बच्चों के लिए मूलभूत बैठने की जगह नहीं मिल रही है, और जब बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है उस कंडीशन में बच्चे और वह जो शिक्षक है, बच्चे और शिक्षक के बीच का जो द्वंद्व, यानी बच्चे और शिक्षक के बीच के संबंधों का जो द्वंद्व है, वह जब नागार्जुन जब लिखते हैं अपनी कविता में तो बोलते हैं कि देखिए छत भी चू रही है, इस भवन का विद्यालय का भवन है उसकी छत चू रही है, बच्चे विद्यालय में बैठे हुए हैं, और जो दुखहरण मास्टर है वह मिनट मिनट पर बच्चे को तमाचे मारकर इस तरह दुखहरण मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। आदम के सांचे का मतलब यहाँ पे क्या, आदम के सांचे का अर्थ है कि जो ये भारत के जो नया भविष्य है उसका वो निर्माण कर रहा है। जब मैं सिविल सर्विसेज का मुख्य परीक्षा दे रहा था, मैंने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का मुख्य परीक्षा दे रहा था, तो उसमें एक क्या नाम है, ये निबंध आया था कि राष्ट्र की कक्षाओं का निर्माण, राष्ट्र के भविष्य का निर्माण उनकी कक्षाओं में होता है। और यही सत्य भी है, हमारे देश में जो विद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय जो हैं, विद्यालय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, यानी कि जिसको हम स्कूल कहते हैं, कॉलेजेस कहते हैं और यूनिवर्सिटीज कहते हैं, यह जो है यही हमारे भारत के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और जब इन जगहों पर ही अगर मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिलेंगी तो हमारे भारत के जो नई पीढ़ी है, जिन नई पीढ़ियों के कंधे पर इस नए भारत के निर्माण की बात हो रही है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो भी वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि हम आने वाले कुछ समयों में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ उसी यूनिवर्सिटी से हमारी अभी भारत की जो वर्तमान जो वित्त मंत्री साहिबा हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, तो बोलती है कि भारत जो है कुछ दिन में तृतीय अर्थव्यवस्था के रूप में हम बन जाएंगे। और मैं पर डे चूँकि आर्टिकल लिखता हूँ हिंदी में भी और अंग्रेजी में करंट अफेयर्स रिलेटेड, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं। इंग्लिश में भी लिखा रहता है और हिंदी में भी लिखा रहता है, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उस दिन का उसके बारे में लिखा रहता है। उसमें प्री के लिए भी क्वेश्चन रहता है और मेंस के लिए भी क्वेश्चन रहता है, तो आप उसके बारे में वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं बहरहाल में बात कर रहा था हिंदी मैंने साहित्य के बारे में कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम 1947 तक भारत जो विकसित देश बन जाएगा, सही बात है, बन जाएगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही है उस गति से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत 1947 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, इस बात में कोई इंतु किंतु परंतु नहीं है, ये सत्य है, हो जाएगा। लेकिन हमें इनके साथ ही नागार्जुन की लिखी उन कविताओं पर भी ध्यान देना होगा कि फटी भीत है, छत चूती है, कि अगर आपने विद्यालयों का निर्माण, विद्यालय के भवनों का निर्माण, विद्यालय में शिक्षकों गुणवत्तापूर्ण जो विद्वान शिक्षक हैं, शिक्षक जो वाकई शिक्षक हैं, अगर उन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है और शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, शिक्षकों के जीवन में अगर उथल पुथल है, शिक्षकों के जीवन में अगर जो वो कार्य कर रहे हैं, चूँकि शिक्षकों का काम है, हमने एक बार अपने ID पे लिखा था कि शिक्षकों को उनकी घड़ी लौटा दो, वो आपको आपका भविष्य लौटा देगा। शिक्षकों को हमने क्या कर दिया है, भारत सरकार छोड़ दीजिए राज्य सरकारों में जो हाल है शिक्षकों का वो क्या है, शिक्षक मुख्यतः पढ़ाने के लिए जाते हैं बच्चों को, लेकिन आप उनसे क्या करते हैं, शिक्षा माने पढ़वाते तो हैं ही उनसे और अन्य काम भी करवाते हैं,
कभी जनगणना का काम करवाते हैं तो कभी और कार्य करवाते हैं, तो इन चीज़ों पे भी आपको गौर करना होगा। तो इन चीज़ों पे भी गौर कर तो जब आप आधुनिक जनवादी कविता तक जब पढ़ेंगे तो मैंने तब इस तक आप आ जाएंगे। इसमें आपको मैथिली शरण गुप्त पढ़ना पड़ेगा, जयशंकर प्रसाद, दो तीन मिनट और, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जैसा मैंने कहा छायावादी कविता की जो लेखिका सब है सो रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे गजानंद माधव मुक्ति बोध और नागार्जुन, जिस नागार्जुन की बात मैंने कहा था कि मिनट मिनट पर लगाकर चार तमाचे इस तरह दुखारण मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। उसके बाद आएगा कथा साहित्य, जो सब इसका अंतिम पॉइंट है आज के सिलेबस का, ये छठवां नंबर जो है प्रथम प्रश्न पत्र का छठवां जो है वो है कथा साहित्य। और कथा साहित्य में हम क्या करेंगे, कथा साहित्य में हम पढ़ेंगे उपन्यास और यथार्थवाद। क्या पढ़ेंगे हम, उपन्यास और यथार्थवाद, यथार्थ का किस तरह वर्णन हुआ है उसमें पढ़ेंगे हम ये यथार्थवाद। दूसरा इसका आएगा हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, और तीसरा है इसका प्रमुख उपन्यासकार में हम पढ़ेंगे कौन, प्रेमचंद, है ना, प्रेमचंद। उसके बाद पढ़ेंगे जैनेन्द्र, अलग अलग वक्त के लोगों को लिया गया है जैनेन्द्र, है ना, जैनेन्द्र, यशपाल, जिसका दिव्या आपके सिलेबस में है, यशपाल और भीष्म साहनी, फणीश्वर नाथ रेणु और भीष्म साहनी, इनके उपन्यासों को पढ़ेंगे भीष्म साहनी, और सबसे अंतिम में भीष्म साहनी, है ना, और सबसे अंतिम में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, हिंदी कहानी का किस तरह उद्भव हुआ और फिर यह किस तरह विकास करते करते आज जो समकालीन हिंदी कहानी लिखी जा रही है उसके बारे में हम बात करेंगे, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, उद्भव और विकास। ये आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हिंदी भाषा और साहित्य के प्रथम पेपर में वैकल्पिक विषय के जो 250 नंबर का होता है उसके प्रथम पेपर में फर्स्ट पेपर के खंड बी में इतना चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा और ये दोनों इंटरलिंक्ड है। तो आज के लिए हम इतना, ये फर्स्ट पेपर आपका डिस्क्राइब हो गया है, फर्स्ट पेपर के सिलेबस बारे में आप समझ गए हैं, कल आपसे हम बात करेंगे पेपर सेकंड के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, याद दीजिए अपने बड़े का ख्याल रखिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए, बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।